देखिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना की तरफ से टीजीटी और पीजीटी शिक्षकों के लिए एस्टेट का नया विज्ञापन जारी कर दिया गया है। विज्ञापन आपके सामने है। एस्टेट 2024 में जो सामान्य शिक्षक हैं टीजीटी पीजीटी के लिए वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अभी करीब हफ्ते भर पहले विशेष जो विद्यालय थे यानी दिव्यांग छात्रों के लिए जो विद्यालय हैं उनके लिए एस्टेट का नोटिफिकेशन जारी हुआ था और ये बिल्कुल नया नोटिफिकेशन है जो कि आज 14 दिसंबर को जारी हुआ है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज 14 दिसंबर से ही प्रारंभ हो चुकी है। तो कैसे आवेदन फॉर्म भरेंगे, क्या प्रोसेस रहेगा, कौन कौन से अभ्यर्थी एलिजिबल हैं, कितने विषय के लिए एस्टेट हो रहा है, ये सारी जानकारी इस नोटिफिकेशन में दी गई है और वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ें बिल्कुल आपको समझ में आ जाएं। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है एस्टेट 2024 में जो विषय रहेंगे वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो सबसे पहले बात की गई है पेपर वन की यानी कि टीजीटी की, ठीक है। तो टीजीटी के लिए यहाँ पर देखिए विषय, सबसे पहला विषय है हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा। तो इतने विषय यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे टीजीटी में यानी पेपर वन के लिए। अच्छा, इसके बाद संगीत भी है, ललित कला भी है, नृत्य विषय भी है। तो ये आपके यहाँ पर इतने विषय के लिए एस्टेट पेपर वन करवाया जाएगा। और आपको बता दें कि जो अभ्यर्थी एस्टेट क्वालिफाई होंगे वही बिहार की शिक्षक भर्तियों में टीजीटी पीजीटी में फॉर्म भर पाएंगे। और आप लोग जानते हैं बिहार में अच्छी खासी भर्तियाँ जारी हो चुकी हैं, TRE1 TRE2 दो भर्तियों के विज्ञापन आना है। इसके बाद TRE3 विज्ञापन भी अगले साल जुलाई अगस्त में आएगा। तो ये जो एस्टेट है इसकी परीक्षा संभवतः मार्च में होगी आपकी, ठीक है। जैसा होगा मैं आपको बता दूंगा, तो आप लोग उसके अनुसार ही तैयारी करें और आगामी भर्तियों के लिए अपने आप को एलिजिबल कर लें। तो फिलहाल यहाँ पर अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए बोला गया कम से कम 50% अंकों के साथ आपने स्नातक किया हुआ है या स्नातक में 50% नहीं है तो आपके पास स्नातकोत्तर है आप, तो इसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। साथ में BEd भी होना चाहिए। तो ये यहाँ पर क्वालिफिकेशन रखी गई है टेट में, इस एस्टेट में शामिल होने के लिए, ठीक है। इसके अलावा ऐसे अभ्यर्थी जो BA Ed कोर्स किए हैं या BSc Ed कोर्स किए हुए हैं, जो NCT से अप्रूव्ड कोर्स हैं, तो वो अभ्यर्थी भी यहाँ पर पात्र हैं। तो TGT के लिए आपकी ये पात्रता हो जाती है क्वालिफिकेशन के रूप में। विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए भी यहाँ पर कुछ होगा तो उसके बारे में भी यहाँ पर बोला गया, अगर आप विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए करना चाहते हैं तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए और भारतीय पुनर्वास परिषद से विशेष शिक्षा में आपके पास BEd होना चाहिए, ठीक है। और CRR नंबर होगा तो आप विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए भी एस्टेट में शामिल हो सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगर आप आगे आएंगे तो यहाँ पर देखिए बताया गया है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए कौन कौन से अभ्यर्थी पात्र हैं। तो बोला गया है कि गणित विषय के लिए अगर आप एस्टेट का फॉर्म भरना चाहते हैं तो स्नातक स्तर पर जो है गणित के साथ भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान या सांख्यिकी, इनमें से कोई भी दो विषय आपने स्नातक स्तर पर पढ़े हों, जो इंजीनियरिंग से स्नातक पास आउट हैं उनके लिए गणित विषय अनिवार्य किया गया है। इसी प्रकार कंप्यूटर साइंस में BCA वाले अभ्यर्थियों को भी यहाँ पर शामिल किया कर लिया जाएगा। अगर आप विज्ञान विषय के लिए आवेदन करना चाहते हो तो स्नातक स्तर पर आपने जंतु विज्ञान यानी कि प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र पढ़ा हुआ होगा तभी आप विज्ञान के लिए एस्टेट में शामिल हो सकते हो, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी वाले और माइक्रोबायोलॉजी को भी इसमें शामिल किया जाएगा, मतलब वो भी पात्र हैं। सोशल साइंस के लिए देखिए स्नातक स्तर पर आपने जो है इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इन चार विषयों में कोई भी दो विषय आपने पढ़ा हुआ हो इसमें से एक विषय इतिहास या भूगोल जरूरी है, होना ही चाहिए। प्राचीन इतिहास वालों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। इसी प्रकार
भाषा के बारे में बोला गया है कि माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक पद के लिए संबंधित विषय में स्नातक स्तर पर आपने भाषा विषय के रूप में पढ़ा हुआ होना चाहिए, चाहे ऑनर्स के रूप में किया हो या सब्सिडियरी विषय के रूप में पढ़ा हो। यहाँ पर नीचे स्पष्टीकरण भी दिया गया है कि शिक्षक एवं प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि के बिंदु पर जो अगर विवाद होता है तो NCT का ही निर्णय माना जाएगा। तो ये तो बात हो गई पात्रता TGT की। अब PGT का देखिए, PGT में जो विषय अवेलेबल है पेपर 2 के लिए वो यहाँ पर है, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, इसके बाद पाली, प्राकृत, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, वाणिज्य, कंप्यूटर साइंस। इसके बाद नीचे आएंगे तो कृषि, ये आपके विषय PGT में शामिल किए गए हैं, और संगीत भी PGT में है। ठीक है, तो PGT के लिए अगर आप पात्रता की बात करते हैं तो 50% अंकों के साथ आपका जो है स्नातकोत्तर होना चाहिए और BEd होना चाहिए। अगर आपका PG प्लस BEd हो तो आप PGT के लिए भी और TGT के लिए दोनों के लिए आप यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बोला गया जो पेपर 1 है वो TGT के लिए, पेपर 2 जो है वो PGT के लिए है, और परीक्षा पैटर्न भी बताया गया कि 150 नंबर की परीक्षा होगी, इसमें 100 नंबर आपका विषय का रहेगा, 50 नंबर जो रहेगा शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता का रहेगा। सिलेबस डाउनलोड करना चाहें तो governmentjobcenter.com से डाउनलोड कर सकते हैं, नोटिफिकेशन भी वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन भी वहीं से कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या, यहाँ पर अदर स्टेट के अभ्यर्थियों को एलिजिबल माना गया है? तो जी हाँ, बिल्कुल माना गया है। भारत के किसी भी राज्य के आप निवासी हैं तो यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए लिखा हुआ है अगर आप जो आर्ताधारी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं तो भी आप इसमें शामिल हो सकते हैं, मतलब एपियरिंग वाले छात्रों को भी यहाँ पर एलिजिबल किया गया है। इसके बाद यहाँ पर देखिए घर नंबर पर लिखा हुआ कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 में SC ST अत्यंत पिछड़ा वर्ग दिव्यांग अभ्यर्थियों को शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता में 5% की छूट भी मिलेगी, मतलब जहाँ पर 50% की अनिवार्यता है वहाँ पर उनके लिए 45% रहेगा। आयु सीमा 1/8/2024 से काउंट की जाएगी, न्यूनतम आयु सीमा जो 21 वर्ष आपकी होनी चाहिए, अधिकतम आयु सीमा देखो अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष है, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष है, पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष है, अति पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष है, SC ST पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष है, ये यहाँ पर है। और दिव्यांग अभ्यर्थियों को 10 साल की अतिरिक्त यहाँ पर छूट भी दी गई है। और आगे बोला गया है कि ऐसे जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको उम्र सीमा में 3 साल की छूट मिलेगी, और जितने साल प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई है उसके अनुसार आपको अधिकतम 57 साल तक छूट मिल जाएगी। क्वालिफाइंग मार्क्स देख लो, सामान्य अभ्यर्थियों के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा 50%, पिछड़ा वर्ग के लिए रहेगा 45.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए रहेगा 42.5%, SC ST के लिए 40% रहेगा, महिलाओं के लिए भी 40% ही रहेगा। ठीक है, तो फीस देख लो यहाँ पर, अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो एक पेपर की फीस लगेगी आपको 960 रुपये, दोनों पेपर के लगेगी 1440 रुपये, और SC ST दिव्यांग छात्रों के लिए 760 रुपये और 1140 रुपये एक पेपर दो पेपर के लिए। आगे देखो बोला गया कि पेपर इसका ऑनलाइन मोड में करवाया जाएगा, 150 नंबर की लिखित परीक्षा होगी, आवेदन फॉर्म आज 14 दिसंबर से शुरू हो चुके हैं, 4:30 बजे शुरू होंगे और 2 जनवरी आवेदन करने की लास्ट डेट रहेगी। तो governmentjobcenter.com पर जाकर के आप इसका फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, बाकी सारी जानकारी आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी, टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी, तो डाउनलोड कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।